कासगंज से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते बुलेरो कार से रौंदकर युवक को मौत के घाट उतार दिया। ये घटना तब हुई जब युवक पैदल अपने घर जा रहा था। परिजनों ने पुरानी रंजिश के चलते टक्कर मारने का लगाया गंभीर आरोप। पुलिस ने 302 धारा के तहत मामला दर्ज किया है। आपको बता दें, पूरा मामला थाना गंज डुंडवारा क्षेत्र के बहोरपुर गांव का बताया जा रहा है। घटना के बाद परिजनों से मिलने के लिए आमापुर विधायक हरिओम वर्मा व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रविश कुमार मौके पर पहुंचे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए कासगंज से मोहित वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? उदय प्रताप। कल जो एक्सीडेंट हुआ उसमें एक युवक की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला बताओ। वो मेरे पिताजी हैं और ये टहलने के लिए निकले थे सुबह, तो कुछ लोग घात लगाए पहले से ही बैठे थे। पिताजी मेरे जब 100 मीटर दूर निकले हैं घर से, तभी गाड़ी उन्होंने तेज प्लस 100 प्लस स्पीड पर लेके आए थे। तो पिताजी मेरे साइड में खड़े थे और टक्कर मार के सीधे निकल गए। क्या अब तक इसमें पुलिस ने कोई अब तक कार्रवाई की है? पुलिस को मैंने FIR दर्ज करवा दी थी, तहरीर दे दिया था वहाँ पे, तो फिर अभी तक पता नहीं है क्या हो रहा है आगे। आप शासन प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले।